नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक, नई सुबह नए मेहमान और नई सुबह के साथ नया टैलेंट आपके साथ मौजूद होता है और तारा रारा आपके साथ न्यू टैलेंट लेकर आती है, नए मेहमान लेकर आती है, नई चीज़ें डिस्कस होती हैं, नई बातें होती हैं, कुछ बातें मुझे सीखने को मिलती हैं, कुछ बातें आप लोगों को सीखने को मिलती होंगी डेफिनेटली। आज जो हमारे शो का गेस्ट है वो बहुत हार्ड वर्कर है और एक इंसान जो है इतने सारे काम करता है और लेकिन टिकटॉक का शौक रखता है, टिकटॉक बनाने का शौक रखता है, फेम चाहता है, फेम चाहिए, फेमस होने का आजकल हर बंदे पे भूत है, जो कि मैंने देखा है। हर कोई कहता है यार मुझे दो बंदे जाने, मैं आर्टिस्ट बनूँ, मैं एक मतलब मुझे लोग मेरे नाम से पहचाने। तो इसी तरह आज जो हमारे साथ टैलेंट मौजूद है जो टिकटॉक पे फेमस होना चाहते हैं और शौक है टिकटॉक का बहुत ज़्यादा, अदा शाबाश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे अदा? ठीक है, शुक्र अदा ऊंचा बोले पता चले गेस्ट आया हमारे पास। जी 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 बोले। और अदा मजे में, नाश्ता किया अदा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है अदा लाइफ में? शुक्र है अच्छी जिंदगी गुजर रही है, वीआईपी लाइफ चल रही है बस, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। सुकून है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अदा टिकटॉक का शौक आपको कैसे हुआ? अभी बस ऐसे दोस्त मेरे हैं काफ़ी सारे, वो टिकटॉक बनाते हैं तो वो बनाते हैं, मैं उनके साथ होता हूँ, फिर उनको देखते देखते मेरा शौक हो गया। अब इंशाल्लाह मैंने भी आईडी बना ली है शहबाज अली शहबाज नाम से और जो है मैं भी अभी टिकटॉक में स्टार बनना चाह रहा हूँ, फेमस होना चाह रहा हूँ। अच्छा, नया शौक हो गया। कौन किसको देख के टिकटॉक बनाना शुरू की? कौन आपका मतलब फेवरेट टिकटॉकर है या दोस्त है? जी अभी मेरे फेवरेट दोस्त हैं मेरे खान मोहम्मद शेख है सिद्धार्थपुर शहर में, दानियाल कोरे जो है, और मेरा अली हैदर रिंद भाई है, शोएब भाई है, मैं इनके साथ होता हूँ, इनके साथ चलता हूँ, घूमता फिरता हूँ, फिर इनको देखते देखते ही मेरा को शौक हो गया। अभी मैं भी अदा फेवरेट टिकटॉकर कौन है लड़कियों में? अभी मेरी फेवरेट टिकटॉकर तो फिलहाल तो आप हैं मिस तारा, हाँ। और दूसरी जो है अदी रूबी अली है, हाँ। और शैला गुल जी ये है मेरी, माशाल्लाह तमाम से इनकी बेहतरीन फनकार हैं, तमाम से इनकी बेहतरीन स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं और हर एक के पास एक अपना टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है। अदी शैला गुल भी हमारी सिंध की बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, अदी रूबी अली बहुत अच्छा वर्कआउट कर रही हैं और मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकती, वो आपने बोल दिया, वो मैं पब्लिक से पूछूंगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि टिकटॉक ऐप जो है क्या अर्निंग दे रहा है, पैसा देता है, क्यों बनाते हैं? जी नहीं फिलहाल तो मुझे नहीं दे रहा अभी जो है। फिलहाल क्या मतलब, देता ही नहीं है दा वो? मुझे तो नहीं दिया अभी, मैं कैसे बोलूं क्योंकि मेरे अच्छा। दोस्तों को भी नहीं मिला किसी को, तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे मिले या किसी को मिले, इसके बारे में तो फिलहाल कोई इरादा नहीं है। हाँ बाकी फेमस हो रहे हैं सारे, देख रहा हूँ मैं भी, दुनिया में चल रही है, मैं भी चला रहा हूँ इस तरह से। अच्छा जी जी। अदा क्या बनने का शौक था जब बचपन में थे, छोटे थे, कि भाई मैं बड़ा होके ये बनूं? अदी बड़ा होकर तो मेरा कोई शौक ऐसे था कि कोई सरकारी जॉब करूँगा, कोई फौज में जाऊँगा, इस तरह का मेरा कोई शौक था, पर क्या करूँ मैं, मेरी जो है पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो सकी उस वजह से जो है। अच्छा जी जी। तो अदा स्टडी तो खैर इंसान जो है करता रहता है, अभी भी आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर जी सकते जी। लेकिन आपका अभी जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है अभी? अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं अभी ड्राइवर हूँ। अच्छा जी जी। अदा कितने स्पीड पे आखिरी आपने ड्राइव की है रेस की? जी अदी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 180 तक चलाई है गाड़ी। अच्छा जी जी। हैवी ड्राइवर अदा? जी जी। अदा ये जो बसेस वगैरह आती हैं मुझे लगता है आप ही लेकर आते हैं ट्राले वराले सामान वगैरह हाईवे से? नहीं जी नहीं, ये नहीं, मैं ये नहीं चलाता, मैं छोटी गाड़ी चलाता हूँ, मैं कार का ड्राइवर हूँ। कार ड्राइवर? जी जी कार ड्राइवर, फोर व्हील में जो भी आती है मैं चलाता हूँ, चला लेते हैं। जी जी। अच्छा अदा फैमिली की सपोर्ट, फैमिली को पता है आप टिकटॉक बनाते हैं? जी हाँ मेरी फैमिली को भी पता है, क्या वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं टिकटॉक बना रहा हूँ, मैं अभी जो है मेरा नया नया शौक हुआ है, वो मेरे देखते हैं, मुझे फॉलो भी करते हैं। अच्छा जी जी। अदा जिंदगी में कोई शिकवा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकवा नहीं है, शुक्र है जैसा गुजर रहा है, जैसा गुजरा है आगे भी अल्लाह अच्छा ही गुजारेगा। बेस्ट फ्रेंड कौन? बहुत अच्छा। बेस्ट फ्रेंड कैसे मतलब? आपका अच्छा दोस्त बेस्ट फ्रेंड, जिससे ज्यादा आपकी क्लोजनेस है, दोस्ती है, जिसको जिससे आप हर बात शेयर करते हैं दिल की? जी जी। वो मेरा एक ही है अली अदरिंद भाई है। जी जी। बेस्ट फ्रेंड जिससे मैं हर बात शेयर करता हूँ और वो मुझसे शेयर करता है, और कोई ऐसा नहीं है क्लोज हमारे दोनों के बीच। अच्छा अदा किसी से मिलना चाहते हैं फेवरेट आर्टिस्ट से? जी जी। कौन?
काफी है, जो भी मिला इंशाल्लाह मसला नहीं है। जो भी मिले, जी, एक मिलना अपनी दिल की ख्वाहिश होती है ना यार, मुझे इससे मिलना है यार, जी जी अपने दिल की ख्वाहिश तो मेरी बस एक ही सिंगर है, मुझे उससे मिलना है, कौन? मुमताज मौलाई चांदियो साहब से मिलना है मुझे। मुमताज साईं, साईं से जी मिलना है। जी 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 साईं पारत है आपका फैन, बैठे है परस्ता रहे, आप टाइम दे मिलें। और साईं मुमताज मौलाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपनी फैन से बड़ा प्यार करते हैं, वो बड़ी इज्जत करते हैं, और पर्सनली मैंने ये चीज़ जज की है, मैंने देखा है। तो इंशाल्लाह ज़रूर वो आपसे मिलेंगे जी जी इंशाल्लाह और आपकी इंशाल्लाह मुलाकात जी होगी, आपका ड्रीम पूरा होगा, जी जी इंशाल्लाह ख्वाहिश पूरी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये सब बातें तो चलती रहती हैं, आप मुझे अब ये बताएं आपकी खाने के मामले में फेवरेट डिश कौन सी है? जी मेरी फेवरेट डिश है एक बिरयानी है, और दूसरी है मेरी फेवरेट डिश दही बड़े। दही बड़े। जी, अच्छा, कौन बना के देता है? अम्मी बनाती हैं घर में अम्मी। मेरे। जी हाँ, अच्छा, और जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको जिससे आप, मतलब जो आपके लिए लाइफ में सबक रहा हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी कोई सीन नहीं हुआ। कोई सीन नहीं नहीं है, नहीं ऐसा कोई भी नहीं हुआ। पक्की बात है? जी, कोई भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो मैं याद करूँ और जैसे मैं याद करता रहूँ नहीं, ज़िंदगी भर जो रहे वो याद। गम का भी हो सकता है, वो खुशी का भी हो सकता है, नहीं अदीन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है ना ऐसा। खुशी का भी कोई याद नहीं है। नहीं, मुझे कोई याद नहीं है क्योंकि मैं ऐसी चीज़ कोई भी ऐसी याद नहीं अदर करता। किस सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं अभी शहदादपुर से हूँ। शहदादपुर की क्या चीज़ फेमस है, मशहूर है? शहदादपुर की फेमस चीज़ अभी है वहाँ की जो है बिरयानी। अचार, अचार नहीं, अचार रानीपुर का होता है। रानीपुर का जी, इस अचार है, साइड का जो है। शहदादपुर की जी बिरयानी है। जी जी बिरयानी है। वहाँ की बिरयानी मतलब आपने खाई होगी जी, तो ज़्यादा, मतलब किस मतलब वही उसी शहर की खास है। अब हमारी कराची में स्टूडेंट बिरयानी है, अल जी नाज है, अल नसीब है, ये तो जी मैं प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन खैर मैं खुद भी पसंद करती हूँ, तो जी यहाँ की अच्छी है। तो वहाँ जी की बिरयानी में क्या खास बात है नहीं वहाँ की जो है ना आपके शहर की है इसलिए? जी, नहीं वैसे भी जो है ना, वैसे भी काफी सारे लोगों ने खाई है, जिसने भी खाई है वो तारीफ ही करते हैं। अदा, इसका मतलब अब मुझे बिरयानी खाने ना जी शहदादपुर जी जाना पड़ेगा। जी जी इंशाल्लाह आएंगे हम आपको खिलाएंगे बिल्कुल। अच्छा जी जी अच्छा अदा, कोई आपको कोई फैन मिला आज तक आपका, कोई ऐसा जिसने आपको बोला यार हम आपकी वीडियोस को लाइक करते हैं? जी ऐसे काफ़ी सारे दोस्त मिले हैं मुझे जी, मेरे हैं काफ़ी, वहीद अली बुरई है, दानियाल कोरेजो साहब है जी, ऐसे हैं मेरे दोस्त काफ़ी हैं। अच्छा, टिकटॉक पे क्या कंटेंट है आपका, कैसे मतलब? कैसी वीडियोस बनाते हैं? जी मैं अली अदर भाई के साथ बनाता हूँ। फनी होती हैं, लिपसिंग जी वाली जी होती हैं, जी जी फनी ह्यूमर फनी होता है जी जी क्या? नहीं, फनी फनी वीडियो, फनी वीडियो बनाते हैं फर्स्ट हम। वीडियो कौन सी जी थी जी जो वायरल गई आपकी? मेरी फर्स्ट वीडियो में गाड़ी चला रहा था ड्राइविंग करते हुए, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मेरी वायरल हुई थी। कितनी वायरल गई थी? अभी वो करीबन 10-10 हज़ार से ऊपर की गई हुई है। अच्छा अदा, जी उसमें क्या साउंड था, याद है कुछ? नहीं ऐसा, उसमें सॉन्ग चल रहा था, गाड़ी का सॉन्ग चल रहा था वही बस, और तो कोई आपकी नहीं। हॉबी क्या है, क्या खेलते हैं? अभी मैं ऐसा कोई भी खेल नहीं खेलता, बस मैं अपने काम से काम रखता हूँ बस, और अरे बाकी जो अदा, है मेरा ये बस टिकटॉक बनाता है बस, यही है और कोई नहीं है मेरा शौक। कोई गेम नहीं पसंद, नहीं कोई नहीं मुझे कुछ भी नहीं, बस टिकटॉक ही मैं बनाता हूँ। बस सारा दिन टिकटॉक यूज जी जी करते जी हैं? जी मैं बिल्कुल टिकटॉक ही बनाता हूँ। आपने मुझे फॉलो किया वैदा? जी, हाँ मैंने आपको फॉलो किया। बस ये तो फिर अच्छी बात है। जी, अदा, फर्स्ट टाइम आपने मतलब मुझे हैदर ने भी बताया, मिलने का कहा था हर चीज, तो क्या मतलब उस टाइम जो फर्स्ट टाइम आप आए मिलकर गए थे, लास्ट मुलाकात हुई थी? जी, माशाल्लाह आपका अखलाक अच्छा लगा, आपके मेरे शो के स्टाफ बारे अच्छा में क्या लगा। कहेंगे? जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है, मुझे पसंद है, मेरे दोस्तों को पसंद है, हम सब दिल से देखते हैं, शौक से देखते हैं जी इंशाल्लाह, और आइंदा देखते भी रहेंगे। क्या मैसेज देंगे फैंस को? फैंस को यही मैसेज देंगे कि आदि तारा का जो है शो माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है, इनका चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो है फॉलो करो इनको, इनकी टिकटॉक आईडी है उसको फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। मेरी यही है भाइयों से, दोस्तों से, बहनों से, सबसे यही गुजारिश है मेरी। जी किसी को कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके जो भी भाई टिकटॉक बना रहा है तो वो मेहरबानी करके गलत कमेंट ना करें, गलत वीडियो ना बनाएं, कोई उसमें गंद ना करें, कोई अच्छा जो भी बनाए अच्छा बनाए, ऐसा बनाए जो
सुकून से बंदा देख सके, कोई भी किसी की वीडियो देख के बोर ना हो, तंग ना हो, कोई किसी को कुछ भी गलत कमेंट ना करे, मेहरबानी कर। तो जी हाँ बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद थे शाबाज जो कि बहुत अच्छा टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, जिनको बहुत शौक है फेमस होने का। तो गाइज मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी इनकी आईडी को फॉलो करें। और हाँ मैंने आज ये मैसेज देना था कि मैंने कल के शो पे ये बताया था कि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी जो कमेंट्स कर रहे थे, जो मुझे मेंशन करके वीडियो बना रहे थे, इवन उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज करके सॉरी भी किया है और मुझे ये कहा है कि जो है तारा के अदी आपको बुरा लगा, मैं मेरे ही मतलब मजाक शुगल कर रहे थे, तो अभी आप बताएं तो हम अपने अकाउंट पे सॉरी करके आपको वीडियो पोस्ट करके मेंशन करें। तो मैंने इनको ये कहा मेहरबानी आपने अपनी गलती एक्सेप्ट की एटलीस्ट, और हमें बस दुख होता है जब अपने सिंधी जो होते हैं भाई उठ के ये काम करते हैं और अपने सिंधी लोग गालियाँ देते हैं या अपने सिंधी लोग जो है मेंशन करते हैं, कमेंट्स करते हैं। लेकिन ये है जिसके चाहने वाले हज़ार होते हैं तो वहाँ दो तीन हेटर्स भी होना ज़रूरी है। तो वैसे भी मैं अपने हेटर्स से भी प्यार करती हूँ, मज़ा ही तब है जब आपके नफ़रत करने वाले जो है आपके चाहने वालों में तब्दील हो जाएं। तो मुझे आज खुशी भी है इस बात की कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। तो मैं फिर यही मैसेज दूंगी कि प्यार करें सबसे, ये एक दूसरे को मेंशन करना, गालियाँ देना, कमेंट्स करना, दैट्स नॉट फेयर थिंग। और खुश रहें, आबाद रहें, अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें और ऐसी मेहनत करें, नया नया कंटेंट लाएं। टिकटॉक पे, टिकटॉक एक बहुत अच्छा ऐप है फेमस होने के लिहाज से, अगर जिसको फेम चाहिए वो वहाँ पे अपना कंटेंट दिखाए, सिंगर है तो सिंगिंग करे, और जो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहता है वो भी टिकटॉक पे जो है काफ़ी फेम गेन कर रहे हैं आजकल लोग, मैंने देखा है मिलियंस में फॉलोअरशिप चली गई। तो भाई मेहनत करें और बहुत सारी दुआएं तारा रारा की तरफ से आपके लिए, और मुझे भी दुआ में याद रखें, मेरे मेहमानों को, मेरे स्टाफ को, मेरे शो को। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।